आजमगढ़ शहर के पश्चिम छोर पर बसे ग्राम लखनपुर स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले व शिक्षा क्षेत्र में आजमगढ़ जनपद को एक नई दिशा व दशा प्रदान करने वाले बाबा बैजनाथ पीजी कॉलेज गोदपुर किशनदासपुर आजमगढ़ के प्रबंधक संजय कुमार राय भी शिरकत करने पहुँचे। प्रभु के पूजन उपरांत कार्यक्रम में मंदिर जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण के बाद पर बाबा बैजनाथ पीजी कॉलेज के प्रबंधक संजय राय ने 21,000 की सहयोग राशि मंदिर के संरक्षक को प्रदान की। वहीं आपको बता दें कि लखमनपुर में स्थित श्री कृष्ण मंदिर कई वर्षों से पुराना है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राय ने कहा कि हम सब प्रभु के ही पुत्र हैं और अगर हमारे आराध्य का मंदिर हम बच्चों के रहते भव्य नहीं रहेगा तो यह पिता के प्रति एक अपराध हो जाएगा। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है और प्रभु के चरणों में मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने सामर्थ्य अनुसार इस दास से जो भी बन पड़ा है इस दास ने अपने प्रभु के चरणों में समर्पित किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस बात को लेकर वहाँ उपस्थित सम्मानित व जन ग्रामीणों में हर्ष का माहौल था। आपको बता दें कि संजय राय इस तरह के सहयोग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार वह अपनी व लोगों की मदद करते हुए दिखाई भी देते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय कथाकार पंडित गोविंद शास्त्री लाल बाबा लखमनपुर गांव के ग्राम प्रधान पत्नी उज्ज्वल पाठक बसपा नेता अरुण पाठक आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक वेद पांडे संजय पांडे ओके मिश्रा लोकप्रिय मंच संचालक एंकर अभय तिवारी व आसपास क्षेत्र के सम्मानित लोग उपस्थित रहे।